गए हैं, लेकिन उपचुनाव को लेकर कमलनाथ का एक बड़ा दावा सामने आया है और उनका कहना है कि चारों सीट कांग्रेस जीतेगी। बांसल न्यूज पर पूर्व सीएम कमलनाथ बोले हैं, खासतौर पर उनका यही कहना था कि हमारा मुकाबला पैसे, प्रशासन और सरकार से है, अंत में जनता हमारा साथ देगी। आज लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और आप देख सकते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो है वो करेंगे, हम कमलनाथ जी से कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे। सर, काफी अच्छा चुनाव रहा है, वोटिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा रहा। नहीं, सब कुछ ठीक रहा। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पैसे, प्रशासन, धनबल, दबाव से था और मुझे पूरा विश्वास है कि अंत में मतदाता सच्चाई का साथ देखेंगे। तस्वीर उनके सामने है कि प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। सर, खंडवा में आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने कहीं नहीं चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की है वहाँ पर। हम क्यों करेंगे, हम तो जीत रहे थे। सर, क्या लगता है आप जिन मुद्दों के साथ गए जनता साथ देगी, महंगाई और अन्य? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे कृषि क्षेत्र की समस्याएं बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। कितनी सीटें सर जीत रहे हैं? हम चारों की चारों जीतेंगे। तो आपने सुना, ये थे पूर्व सीएम कमलनाथ जिनका चारों की चारों सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कमलनाथ ने दावा किया है कि जनधन वाली सरकार जिसने प्रभावित करने की बीजेपी ने कोशिश की थी उसके से हमारी लड़ाई थी और जनता इसका जवाब देगी। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो जिस तरह से उपचुनाव का दिन जो कल बीता काफी तनावपूर्ण भी इसलिए रहा क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के माथे पर भी शिकन थी और वहीं बीजेपी भी पूरी तरह से मुस्तैद थी हर बूथ पर कि ये जो चुनाव हैं अच्छे तरीके से हों और दोनों ही पार्टियों को ये विश्वास है कि हम ही जीत दर्ज करेंगे। आपने कमलनाथ को तो अभी सुना ही, लेकिन अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की बात करें तो उनका भी बयान यही है कि बीजेपी सभी सीटों पर जीतने वाली है और ये तो उन्होंने कहा ही कि चारों सीटों पर बीजेपी आएगी। इसके साथ साथ वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा है, आइए सुन लेते हैं। देखिए, लोकसभा में और विधानसभा में थोड़ा अंतर तो रहता है, एकदम अपन सोचें कि जो जनरल इलेक्शन है उसके अनुरूप हो, शायद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कमी तो आती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने तो अथक मेहनत की है, वोटर तक गए हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर घर घर तक गए हैं। उसका परिणाम यह है कि विधानसभा के अंदर तो बहुत अच्छा मतदान हुआ है, यानी जोबट जैसी विधानसभा में पिछले 18 के मतदान से ज़्यादा मतदान हुआ है इस बार ट्राइबल क्षेत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रयास अच्छे हुए हैं और अच्छा मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर ऐतिहासिक बहुमत।